या इस गरीब भिखारी की जो कि भीख मांग कर अपना गुजारा करता है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सभी का बदलता है, तो उसी तरह इस भिखारी का वक्त बदलता है और वो भिखारी से करोड़पति बन जाता है। तो चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे गाड़ी आ रही है सामने, इसी से रोकता हूँ। अरे रुकिए 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 सर रुकिए। अरे भाई गाड़ी के आगे आकर मरोगे क्या भाई, थोड़ा ध्यान से। तुम क्या चाहिए तुम्हें बोलो। अरे साहब सुबह का कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे ही दे दो। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा भाई, लेकिन तुम साइड साइड से नहीं मांग सकते हो ना, रोड में मत आया करो भाई। तुम्हें पता है खतरे एक्सीडेंट कितने होते हैं, इसी बस से मैं भी मर सकता हूँ और तुम भी मर सकते हो, जिंदगी का पता थोड़ी होता है भाई। अरे भाई हम गरीबों का मरना मरना है क्या, वैसे भी अगर आज मैं खाना नहीं खाता तो वैसे ही भूख के मारे मर ही जाता। ये लो भाई पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, ये लो पैसे रख लो भाई। अरे शुक्रिया साहब शुक्रिया, आपने तो बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। कोई ना भाई, भगवान मेरे को दे रहा है ना तो मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा है ना थोड़ा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं होता तो मैं कैसे करता भाई। अरे शुक्रिया साहब शुक्रिया, आपकी बहुत नेक सोच है। अरे कोई ना भाई, ये भी रख लो कुछ कपड़े और लगा लेना अच्छी तरह से। अरे शुक्रिया शुक्रिया साहब, भगवान भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, आप जैसे लोग कम ही होते हैं। शुक्रिया भाई तुम्हारी दुआ की जरूरत है। चलो भाई मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है भाई, ठीक है ना। अच्छा ठीक है साहब, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई। यार कितने अच्छे इंसान थे, ऐसे इंसान कम ही देखने को मिलते हैं। अरे ये क्या हुआ, लगता है इनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलता हूँ यार। हे भगवान ये क्या किया तुमने, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं को इतनी कष्ट देता है तू। अरे साहब उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी ज्यादा। अरे उठिए साहब, अरे उठिए, अरे पानी फेंकता हूँ इन पर। अरे साहब उठ भी जाइए साहब। अरे अरे भाई शुक्र है तुम्हारा, शुक्रिया भाई तुमने मेरी जान बचा ली यार। अरे अरे साहब आप ठीक तो है ना, लेकिन आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ज्यादा। नहीं भाई थोड़ी बहुत लगी है, मैं हॉस्पिटल जाकर खुद ही मरहम पट्टी करवा लूंगा भाई, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचा ली है। अरे शुक्रिया की बात नहीं, आपने मेरी मदद की ना तो ये तो मेरा फर्ज था साहब। भाई कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना मुझे याद कर लेना। ठीक है साहब। अरे जल्दी चलता हूँ यार, साहब ने कुछ पैसे दिए हैं तो जल्दी से जल्दी खाना खा लेता हूँ मैं। अरे दुकानदार कुछ खाने को दे दो। अरे भिखारी तो फिर से फ्री में खाने आ गया है यहाँ पर, पैसे है तेरे पास, यहाँ से आ जाता है तू बार बार। अरे भाई तुम पैसे की टेंशन मत लो, बस जल्दी से जल्दी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रुको रुको देता हूँ, पैसे दो ना। अच्छा हाँ ये लो पैसे, अब तो दो खाने के लिए। रुको अभी देता हूँ तुम्हें। अरे जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, अब रहा नहीं जाता। रुको रुको ला रहा हूँ भाई। अरे काका कहाँ गए तुम, जल्दी आओ। ये लो, और तुम्हें एक बात बताऊँ, कल वो बिजनेसमैन आने वाला है तुम्हें वहाँ से दौड़ाने, जहाँ तुम बैठते हो ना भीख मांगने, वो उसकी जगह है। अबे उसकी जगह नहीं, वो मेरी जगह है, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है, वो हमारे नाम पर है, ना कि किसी अरे गहरे बिजनेसमैन की। भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। ठीक है भाई तुम जानो और तुम्हारे पास वो बिजनेसमैन जाने। कल का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा गया था, उन साहब की वजह से मैंने भरपूर खाना खाया है। आज आज फिर से कोई नेक दिल इंसान मिल जाए ना तो फिर से आज का दिन बन जाएगा मेरा। हाँ, चलो कोई देखता हूँ। अरे बाइक आ रही है। अरे रुको रुको, अरे साहब रुको। अबे क्या हो बे, तेरे ही पास आ रहा था मैं, रुकवा क्यों रहा है। अरे तुम तो वही बिजनेसमैन हो ना जो मेरी जमीन के पीछे पड़े हो। हाँ हाँ ये मेरी जमीन है बे, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि ये मेरी जमीन है ना कि तेरी। यहाँ मैं एक होटल बनाना चाहता हूँ और तू साला मेरे रास्ते में आ रहा है, निकल यहाँ से नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था ये मेरी जमीन है मेरी, और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगा, भले इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। रुक तुझे भी दिखाता हूँ अपने पावर, क्या कर सकता हूँ मैं। आने वाला है, बुलाया है मैंने, मैंने बुलाया है सचो को, आने वाला होगा वो। अरे तू किसी को भी बुला ले लेकिन ये मेरी जमीन है मेरी और मेरा हक, मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा भीख मांग पांग कर जमीन कब तक बचाएगा मैं तू, देखता हूँ। आखिरकार जमीन तो मेरे पास ही आएगी, भले ही मेरी आखिरी सांस तक मुझे लड़ना पड़े लेकिन तुझे ये जमीन कभी नहीं दूंगा। आ गया वे सच्चो, निकाल इसको यहाँ से, ये मेरी जमीन है। अबे भिखारी तुझे कितनी बार कहा है कि यह जमीन इनकी है,
चुपचाप से चला क्यों नहीं जाता तू यहाँ से? अरे साहब, मैंने भी तो कहा है कि ये जमीन मेरी है, और वैसे भी कोर्ट में केस चल रहा है, लग जाएगा कुछ दिनों में पता कि आखिरकार ये जमीन किसकी है, क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। अबे तेरे पास पैसे है क्या कोर्ट में केस लड़ने के? चल ऐसे चोरे न दे, इस साले को कोर्ट में ही देखेंगे। वैसे भी इसका कोई केस लड़ेगा तो नहीं, मुझे लगता नहीं है भाई, चल। अबे एक बार जीत गए ना तो तुझे यहाँ से लात मार कर भगाऊंगा। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बड़े देखे लात मारने के, बड़े आए मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए। ये मेरा हक है, मेरा, ना कि किसी और का। मुझे अब उन साहब के पास जाना ही पड़ेगा जिन्होंने कहा था कि वो मेरी मदद करेंगे। जल्दी चलता हूँ। अरे एड्रेस तो यहाँ का दिया था, लेकिन कौन सा घर होगा? अरे ये बड़ा घर लग रहा है, जरूर यही होगा हम सर का घर। जल्दी चलता हूँ यार, वरना पता नहीं वो बिजनेसमैन मेरी जमीन के साथ क्या करेगा। अरे साहब अंदर कोई है क्या? अरे अंदर है। अरे आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, कौन हो तुम? अरे साहब मैं पहचाना आपने? अरे हाँ हाँ मेरे भाई राकेश, मैंने पहचान लिया तुम्हें। अरे साहब आपकी मदद की जरूरत चाहिए मुझे। बोलो क्या चाहिए राकेश भाई? एक बिजनेसमैन लुक्का मेरी जमीन पर कब्जा करने लगा है, मुझे मदद चाहिए साहब। वो बल्कि मेरी जमीन है, और ये जो पुलिस वाला है ना आपके पीछे, ये भी उसके साथ है साहब। अरे तुम क्या कर रहे हो वैसे चो? तुम्हें समझ नहीं आ रही है? तुम निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा मैं, याद रखना। अरे साहब मुझे माफ कर दो, मैं तो बिजनेसमैन के बहकावे में आ गया था। प्लीज आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, याद रखना। हाँ साहब, जो कुछ भी है मेरे साथ रहने दीजिए, पर मेरी जमीन बचा लीजिए साहब, जमीन बचा लीजिए। कोई ना, मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। नेवी रोड के केस में हुई जीत, जो भिखारी था वहाँ का वो जीत गया है केस। अरे अरे ये तो मैं केस जीत गया। अरे साहब, अरे साहब कहाँ हैं आप, जल्दी आइए। अरे बोलो बोलो रमेश मेरे भाई, क्या हुआ? अरे वो देखिए टीवी में क्या हो रहा है, मैं केस जीत गया साहब, केस जीत गया मैं। हाँ भाई जीतना ही था, हमने अच्छी तरह से लड़ाई चुकी थी केस में। अरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते ना तो ये जमीन कभी मेरे नाम नहीं आती साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अरे कोई ना भाई, तुमने मेरी मदद की थी ना, तो आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। हाँ साहब, अब मैं दिखाऊंगा कि एक गरीब आखिरकार क्या क्या कर सकता है। 5 साल के बाद जो हमारा भिखारी होता है वो 1 करोड़पति बन चुका होता है। उसने अपनी जमीन को बेचकर अपनी एक नई फैक्ट्री बनाई होती है, जो कि बहुत लाभ कमा कर दे रही थी उसे। इसलिए देखते हैं इस वक्त क्या कर रहा है वो। 5 साल बीत गए हैं उस दिन को जब मैंने कहा था कि मैं अपना वक्त बदल कर दिखाऊंगा, और मैंने अपनी कही बात सच की। इसमें मेरे भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। अरे भाई। अरे बोलो बोलो मेरे भाई रमेश, क्या हुआ वे? अरे भाई बैठे क्या हो? तुम्हें कहा तो है कि मैंने नई कंपनी खोली है, उसका रिबन तुम्हारे हाथों से कटाऊंगा, तो चलो तैयार हो चलने के लिए? हाँ मैं तो तैयार हूँ भाई, लेकिन कितनी कंपनियां खोल रहे हो भाई तुम? एक यहाँ खोली है, एक और खोल रहे हो भाई। अच्छी बात है भाई, तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो। हाँ भाई हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है भाई, तुमने मेरा साथ दिया था ना, और देखो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन भाई मैंने तो, तुम कर रहे हो ना भी कंपनी को बढ़ाने के लिए, तो मैंने तुम्हारी है मेरी नहीं। अरे भाई ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, चलो चलो अब बातें रास्ते में करते हैं, पहले कंपनी के पास चलते हैं वरना देर हो जाएगी। चलो भाई चलो, चलते हैं तो फिर, जल्दी चलना पड़ेगा भाई मुझे लगता है। अरे हाँ भाई हाँ, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई बस पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर में। अरे साहब रुक जाइए साहब। अरे कौन है ये? अरे भाई क्यों आ रहे हो रास्ते में, मरना है क्या? अरे साहब जी कर भी क्या करेंगे, खाने को कुछ नहीं है, वैसे भी मर ही जाएंगे। हा हा हा, भाई तुम्हारा जो हाल है ना, कुछ सालों पहले मेरा भी सेम हाल था, लेकिन मेरी जिंदगी में फिर एक भला इंसान आया और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये रहे मेरे बड़े भाई, इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं भाई, मैंने तो तुम कर रहे हो, आज जो तुम मुकाम पर पहुंचे हो तुम्हारी वजह से, खुद की वजह से है। मैंने तो बस भाई थोड़ी तुम्हारी सी हेल्प की थी, बस केस लड़ा था तुम्हारा। अरे साहब कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है जोरों से। अरे भाई मैं तुम्हें आज तो खाने के लिए दे दूंगा, लेकिन कल क्या करोगे तुम, फिर से भीख मांगोगे? नहीं भाई नहीं,
ऐसी जिंदगी जीकर भी कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा। जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। अरे चलो चलो भाई, हमारे साथ चलो, हम नई कंपनी खोल रहे, तुम्हें वहाँ काम दे देंगे। और मेहनत करो भाई, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। सही काम मेरे भाई ने। अरे शुक्रिया भाई लोग, शुक्रिया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम जैसे लोग कम ही मिलते हैं जिंदगी में। भाई किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है। और मेहनत करो, किस्मत जग